आपको हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम समटाइम्स वेक्टर प्रोडक्ट टर्म यूज करते हैं, समटाइम्स हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टर्म यूज करेंगे। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये डिफाइंड है। हम यहाँ इसकी डेफिनेशन मूव करते हैं। ये किस टाइप से डिफाइंड है? डिफाइंड एज, हम यहाँ पे चूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो टू वेक्टर हम चूज करते हैं, सपोज दैट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी, आपके पास टू वेक्टर्स हैं। फिगर किसको देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दिस इज योर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ए एंड बी टू वेक्टर्स के बीच में एंगल यहां पर थीटा चूज किया है। कह रहे हैं कि टू ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, इन द क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मली आप अर्थमेटिक का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, तो यहां पर जो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का, ये डिफाइंड है। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, इतने फॉर्मेट में डिफाइंड है। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है, ये डॉट नहीं है, सिंपल डॉट मीन सिंपल अर्थमेटिक प्रोडक्ट है, इंटू एन कैप। यहाँ पर देखिए एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। आपने ये देखा ए बी आपके पास टू वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनटू एन कैप, एन कैप मींस यूनिट वेक्टर, इसका मतलब राइट साइड भी आपके पास एक वेक्टर है। मीनिंग क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्मेट में डिफाइंड है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगी, इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अब हम मुझे क्या डिस्कस करना है, एन कैप के बारे में डिस्कस करना। तो एन कैप बताने से पहले इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए एंड बी टू वेक्टर्स इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, और सपोज दैट दिस वेक्टर इज इक्वल टू एक न्यू वेक्टर, हम सी वेक्टर चूज करते हैं, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। इसका मीनिंग क्या है, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, एन कैप डायरेक्शन है, मीन्स वेक्टर सी की डायरेक्शन आपके पास कौन सी डायरेक्शन होगी, एन कैप हो गई। तो एन कैप आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर, इन्होंने बताया है ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर की परपेंडिकुलर है, ए एंड बी आपके पास टू वेक्टर्स हैं, और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या बता रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इस टाइप से। अब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास, जैसे हमने आपसे टू वेक्टर चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए यहां पर हमने वेक्टर, ये आपके पास टू वेक्टर्स मैंने चूज किए सिमिलर वे में, वेक्टर ए वेक्टर बी, इस टाइप से मैंने चूज कर लिया। अब इसके देखो ये वेक्टर एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, इसका जो मीनिंग होता है, दिस इंप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए एंड बी। इसकी डायरेक्शन के बारे में देखना है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसी पर मुझे फोकस करना है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाई वेक्टर्स ए एंड बी, इसको देखो समझ लेते हैं। आपके ए एंड बी टू वेक्टर्स हैं,
ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। आप देखिए इनके थ्रू एक प्लेन बनेगा, एक प्लेन फॉर्म होगा। आप देखें कि इस समय जो ए और बी का प्लेन कौन सा फॉर्म हो रहा है, आपके पास जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसका जो प्लेन है वही आपके पास ए एंड बी का प्लेन है। आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा डिफरेंट, आपके पास जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड पर हमने प्लेन, यहाँ से इसके थ्रू एक प्लेन पास हो रहा है, व्हाइट बोर्ड है आपके पास वही सेम प्लेन है। यदि हम यहाँ पर इस टाइप से थोड़ा ओरिएंट करें तो आपके पास कौन सा प्लेन बन जाएगा, ये जिस प्लेन आपके पास देखिए इस प्लेन में ये टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर की देखो डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, सपोज करिए आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर एन कैप की डायरेक्शन इस साइड में भी हो सकती है और इसके इस साइड में भी हो सकती है, इधर की तरफ बैक साइड थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है इसकी परपेंडिकुलर ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है इस प्लेन की, और ये भी परपेंडिकुलर पॉसिबिलिटी आ रही है। अब ये टू डायरेक्शन हो गए, जबकि यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, इन टू में से कौन सी डायरेक्शन परपेंडिकुलर परमिसिबल है, अब इस पार्ट में मुझे डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर की एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, आप देखिए जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो डेफिनेटली ए एंड बी के ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो गए। एन कैप यदि हमारे पास इस साइड में हो या इस साइड में इसकी पॉसिबिलिटी होगी, तो आपके पास ए बी से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, जो ये प्लेन फॉर्म हो रहा है यदि इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से टू डायरेक्शन में से वो कौन सी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन मुझे सर्च करनी है, वो डायरेक्शन आपके पास डिफाइंड है। तो अब इनमें से टू डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए इन्होंने एक रूल बताया है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो एन कैप की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए एक राइट हैंडेड स्क्रू रूल का हम यूज करते हैं। राइट हैंडेड तो एन कैप की एक्चुअल डायरेक्शन जो प्लेन के परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस हैं, उनमें से कौन सी डायरेक्शन परमिसिबल है, वो किसके थ्रू डिफाइंड है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है। तो पहले हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको नोट कराते हैं। तो ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या कहते हैं, अपने राइट हैंड में एक स्क्रू आप ले लीजिए, स्क्रू आपने देखा होगा, एक स्क्रू जैसे हमने यहाँ से स्क्रू का हमारे पास सपोज दैट आपके पास ये टिप है, तो इस टाइप से आप स्क्रू राइट हैंड में लीजिए, और इस स्क्रू की जो टिप है वो क्या कहती है, जो ए बी का जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, ए बी से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, और ए बी के जो टेल पॉइंट जंक्शन, इस पे आप प्लेस करिए। देखिए मैंने इस टाइप से प्लेस किया है, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट है राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे बता रहे हैं, प्लेस द टिप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू किसके कहाँ प्लेस करना है, एट द जंक्शन ऑफ ए एंड बी, ए बी का जो जंक्शन बनेगा उस पे आपको प्लेस करना है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाई वेक्टर्स ए एंड बी के थ्रू जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो हम टिप को यहाँ पे इस टाइप से प्लेस कर देंगे, ओके। अब ये कह रहे हैं नाउ रोटेट दिस राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, जैसे मैंने इन्होंने कहा इस टाइप से प्लेस कीजिए। अब राइट हैंड स्क्रू को रोटेट करना है, कहाँ से रोटेट करना, फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। फ्रॉम वेक्टर ए का मीनिंग है ये फर्स्ट वेक्टर है, ये आपके पास सेकंड वेक्टर, लेफ्ट टू राइट आप रीड कर रहे हैं, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, ये आपके पास सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर आपके पास वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर वेक्टर बी। तो ये कहते हैं नाउ रोटेट दिस राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए टू वेक्टर बी थ्रू द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पर देखिए ये आपके पास एंगल बिटवीन द वेक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ से ए टू बी आपको जाना है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या, तो स्मॉलर एंगल, थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। तो वेक्टर ए से स्टार्ट करना है, वेक्टर बी पे आपको जाना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। एक्चुअली में इसके पास ए टू बी जाने के लिए रास्ता और है, यदि हम इस टाइप से रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये वो क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, वो एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं कि हमें जो रोटेशन प्रोवाइड करना है, स्मॉलर एंगल का रोटेशन प्रोवाइड करना है फ्रॉम ए टू बी, जब भी आप जाएंगे तो ए टू बी जाने के लिए ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है, ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो उन्होंने कौन सी डायरेक्शन बता रहे हैं, स्मॉलर एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फिर इसके बाद कहते हैं द एडवांसमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी। अब देखिए
हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया इस टाइप से, देखिए राइट हैंड, ये राइट हैंड स्क्रू मैंने देखी आपके पास, राइट हैंड में ये स्क्रू है, इसको प्लेस किया बस लेफ्ट हैंड से जस्ट अभी हमने ग्रिप किया दिखाने के लिए। अब इसको रोटेट करना है फ्रॉम दिस वेक्टर टू दिस वेक्टर, आप स्लोली देखिए इस टाइप से, देखो मेरे हैंड को टर्न होते हुए देखिए, यदि स्क्रू को हम यहाँ पे अटैच करें और यदि स्क्रू आपके पास इसके अंदर इंसर्टेड है, यदि हम इस टाइप से रोटेट करें तो स्क्रू किधर मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। यदि हम इस टाइप से स्क्रू को रोटेट करते हैं तो स्क्रू कैसा वो ओपन होगा इस टाइप से। तो ये कह रहे हैं द एडवांसमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप दैट इज ई क्रॉस बी। तो एडवांसमेंट हमें स्क्रू का देखना होता है, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन है उनमें से कौन सी डायरेक्शन परमिसिबल है, स्क्रू के एडवांसमेंट की डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू के एडवांसमेंट की डायरेक्शन, वो एन कैप की डायरेक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक फिगर हम और ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट आपके पास वेक्टर ए वेक्टर बी, यदि मुझे ए टू बी जाना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए मुझे कैलकुलेट करना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मुझे चेक करनी है, तो ए टू बी रोटेट करेंगे स्क्रू को, हम इस टाइप से रोटेट किया, जैसे हम थोड़ा और दिखा रहे हैं, देखो इस टाइप का रोटेशन, इसका इस टाइप से जब स्क्रू को रोटेट करें तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, हम एक्चुअली वो थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन है, हम इसको टू डायमेंशन में दिखा रहे हैं, एन क्या इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। इसी टाइप से आप देखिए, यदि मुझे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन चाहिए, बी क्रॉस ए, ये भी एक वेक्टर होगा, अब यहां पर फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर ए, तो इस केस में आप देखें इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब देखिए जैसे हम स्क्रू को यहां पे इस टाइप से प्लेस करेंगे, अब मुझे बी टू सॉरी वेक्टर बी आपको कहां से स्टार्ट करना है, बी टू ए रोटेट करना थ्रू एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हमारे पास रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी परमिसिबल हो रही है, दिस डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर टू टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, फर्स्ट टू सेकंड आपको रोटेट करना है, और उस केस में स्क्रू की एडवांसमेंट की डायरेक्शन होगी। इस समय देखिए इस टाइप से स्क्रू है, यदि हम इसका इस फिंगर के थ्रू हम रोटेशन को थोड़ा दिखाई दें राइट हैंड, अब स्क्रू को मुझे बी टू ए देखो जा रहा है, यहाँ पे देखो बी पोजिशन है, बी टू ए टर्न करेंगे तो स्क्रू हमारे पास कैसा होगा, रोटेट करेगा, जैसे हम देखो इस टाइप से रोटेशन थोड़ा देखा, ये देखो स्क्रू देखो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो बी टू ए जा रहा है, तो स्क्रू किधर जाएगा, इनसाइड जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड को हम इस टाइप से दिखा रहे हैं, ये एन प्राइम कैप, एन प्राइम कैप किसकी डायरेक्शन हो गई, बी क्रॉस ए इस टाइप से डायरेक्शन। ठीक है, अब राइट हैंड स्क्रू को हम नोट कर लेते हैं, ने एक्सप्लेन किया है, राइट हैंड स्क्रू के बारे में हम स्टेटमेंट नोट करते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लेस द टिप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू एट द टेल पॉइंट जंक्शन, एट द टेल पॉइंट जंक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ रोटेट दिस राइट हैंडेड स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए टूवर्ड्स वेक्टर बी दैट इज सेकेंड वेक्टर थ्रू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट इज स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। The advancement of this right-handed screw will give the direction of cross product that is A cross B that is N cap. Statement clear हो गया? तो cross product की direction मैंने किस टाइप से define की right hand screw से define कर दी। अब हम एक और rule इसका use करते हैं, sometimes
सिर्फ राइट हैंड रूल, राइट हैंडेड अभी इसके पास क्या था, स्क्रू रूल था, सिर्फ राइट हैंड रूल, एक राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड के थ्रू भी ये डिफाइंड है। राइट हैंड के थ्रू ये किस तरह से डिफाइंड है इसको देखना है, पहले मैं एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं आपकी स्ट्रेच पाम, इस टाइप से आप पाम को स्ट्रेच कर लीजिए, इस स्ट्रेच पाम को क्या करना है, ईओ बी के थ्रू जो प्लेन फॉर्म होता है इसके परपेंडिकुलर आपको प्लेस करना है, आपको इस टाइप से प्लेस करना है। और फिंगर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अलोंग फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए। यहाँ पर आप यदि ए क्रॉस बी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी में फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या, वेक्टर ए है। ये कह रहे हैं स्ट्रेच्ड पाम है, आपके पास स्ट्रेच्ड हो गई, आपकी फिंगर्स प्लस थंब आपके पास स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, और इसको परपेंडिकुलर प्लेस करना है ईओ बी के थ्रू जो प्लेन फॉर्म होता है। अब ये कहते हैं नाउ कर्ल द फिंगर, नाउ कर्ल द फिंगर टूवर्ड्स वेक्टर बी थ्रू एंगल बिटवीन द वेक्टर दैट इज स्मॉलर एंगल। अब मुझे कर्ल करना है, हमने ए क्रॉस बी चाहिए, स्ट्रेच्ड पाम आपने इस टाइप से प्लेस कर दी, अब क्या करें फिंगर को थंब कर्ल करना है, इस टाइप से जो कर्ल कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, तो आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रेच थंब की डायरेक्शन है, स्ट्रेच थंब की तरफ इस साइड में है, तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है, दैट इज एन कैप की डायरेक्शन। जो थंब की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपके पास एन कैप की डायरेक्शन, दैट इज ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। इस टाइप से यदि मुझे बी क्रॉस ए चाहिए है, अब यहां पे क्या चाहिए, फिर आपके पास स्ट्रेच पाम आप यूज करिए, स्ट्रेच फिंगर और थंब को स्ट्रेच कंडीशन में, तो स्ट्रेच पाम हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि अब फिर इसको परपेंडिकुलर प्लेस किए, सपोज अगर इस टाइप से प्लेस किया, यहां पर आपके पास दिस एंगल आपके पास थीटा हो गया। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, हम प्लेस कर देते हैं और इसको पाम को वर्टिकल किसके प्लेस करना, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स को आपको फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर बी। अब फिंगर्स को टर्न कीजिए, आप देखिए फिंगर आपके पास इस साइड में टर्न नहीं हो रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है टर्निंग इधर हो जाएगा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, लार्जर एंगल हो जाएगा, मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर के थ्रू टर्न करना है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हमारे पास डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो रही, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अपनी पाम को इस टाइप से परपेंडिकुलर प्लेस कीजिए। अब मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, फिंगर स्ट्रेच कंडीशन है फर्स्ट वेक्टर के अलोंग है, अब फिंगर को टर्न कीजिए फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए। अब आपके पास यहां से देखिए जो थंब की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डिफाइंड हो गई, ठीक है।